ऑफ साइट और ऐसा तो कभी नहीं रहा। हाँ टेलीविजन में बिजी रहा, थोड़ा फिल्मों से थोड़ा सा दूर हो गया था। हाँ शायद उस दौरान जो जो फिल्मों में बहुत अच्छे से मुझे जानते थे वो शायद थोड़ा सा भी दूरी आ गई। अदरवाइज सिनेमा बदल भी गया, समय भी बदल गया, लोग भी बदल गए। पहले फिल्में जो थी वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स के हाथों में थी, अभी फिल्में कॉरपोरेट के हाथों में आ गई हैं। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स बड़े बड़े जो हैं प्रोड्यूसर वो नहीं, पहले पंकज बैरी को एक्शन करने मिलता था और 16 में से 15 फिल्मों में रेप करने की कोशिश भी होती थी, वो रेपिस कहाँ है? फिर आ जाएगा, फिर ऐसी तैयारियां चल रही हैं कुछ फिल्में आने वाली। तो क्या हमको उन फिल्मों में फिर से वही पंकज बैरी नजर आएगा जो जिसने एंट्री मारी थी अवार्ड के लिए? मेरे ख्याल से वही इंटेंसिटी है अभी भी पंकज बैरी में एज एन एक्टर। एक्टर तो पॉलिश ही होता है डे बाय डे, लेकिन आपने तक नहीं, शायद मैं नहीं कर मेरी 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 कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं करेगी। लैंग्वेज गंदी थी, उसकी इंटेंशन गलत थी, क्या था आपके पॉइंट? मैंने पूरा डिटेल में देखा नहीं इसलिए नो कमेंट। लेकिन सुना तो है, पढ़ा तो है। हाँ सुना है, लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा ऐसा कि प्रोग्राम आया जिसमें ऐसे ऐसे था, वैसे वैसे था, और मैं तब तक नहीं बोल पाऊंगा जब तक मैं खुद देखूंगा नहीं। देख के हमें जरूर बताएगा। बिल्कुल बताऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। शूट पूरा कीजिए, लास्ट लास्ट गाना। कोई बड़ा स्टार होता, सलमान शाहरुख ऋतिक होता, तो क्या उसके साथ में वो ऐसा ही करती? उसके साथ तो वो क्या बोलूं, जैसे जैसे इंडिया में वो है ही, अपना कल्चर ही है कि चमचागिरी करनी है तो चमचागिरी करने के लिए तो वो पीछे नहीं रहती ना। कुछ ऐसी बात है जो हमने ना पूछे और आप दर्शक को बताना चाहते होंगे? इस फिल्म में कितने गाने हैं टोटल? इस फिल्म में 5 गाने हैं, 5 जो 5 के 5 ही गाने हैं, वो गारंटी है कि वो 5ों के 5 ही हिट होने वाले हैं। आगे कौन सी फिल्म बनाना चाह रहे हो? आगे मेरे जो मैंने स्टोरीज लिखी हैं उनमें डिफरेंस है। एक पंजाबी फिल्म है वो जो सिखिज्म पे मैं बनाऊंगा, और जो जो सिखों में जो जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म बनाया था तो जात पात खत्म करके बनाया था वो, लेकिन आज सॉरी एक्टिंग की है। एक मिनट जो पहले पूरा कर लूं, नहीं, पंजाबी फिल्म में भी एक्टिंग की है। हाँ मैंने एक फिल्म पंजाबी की है, उसका नाम आजादी है, वो भी तैयार है रिलीज होने के लिए, तो उसमें मैंने नेगेटिव लीड रोल किया है। आप जो पहले बोलने जा रहे थे अब बोलिए। तो वो जो सिख धर्म पे मैं बोल रहा था कि उन्होंने एक जात पात को खत्म किया था, कास्टिज्म को, लेकिन आज जब हम नजर मारते हैं अगर कोई किसी जाति से सिख बना तो जाति उसके साथ ही है, तो एक दूसरे के साथ उनका जो रिलेशन होना चाहिए जो जो गुरु जी ने चाहा था वो अब देखने को नहीं मिलता। मैं उसके अगेंस्ट जो मुद्दे जो मैं उस फिल्म में उठाऊंगा और क्लियर करूंगा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या सोचा था और जो आज के सिख हैं वो क्या कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जसवंत जी, थैंक यू।